हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। आज जिस शहर की यात्रा हम आपको कराने वाले हैं, उसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सबसे पावरफुल राजधानी माना जाता है। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास 200 साल से भी पुराना है। कहते हैं कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स इसी शहर से कंट्रोल होते हैं। यहाँ की आबादी दुनिया के कई बाकी देशों से ज्यादा पढ़े लिखे है। एक ऐसा शहर जिस शहर के लोग बहुत ज्यादा भुलक्कड़ किस्म के माने जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी इसी राज्य में बनी हुई है और करीब 12 अरबपति इसी शहर में रहते हैं। यहीं पर आप दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध स्मारकों को देख सकते हैं। राष्ट्रपति के रहने के लिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय हाउस व्हाइट हाउस इसी शहर में है। हर कोई जानता है कि ये शहर अमेरिका देश की राजधानी है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के बारे में बताएंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। वॉशिंगटन अमेरिका का स्टेट है और इस शहर की आबादी है 7 लाख से भी ज्यादा। ऐसा माना जाता है कि अगर वॉशिंगटन एक देश होता तो ये अमेरिका का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला देश होता। इतना ही नहीं, अगर ये एक देश होता तो वॉशिंगटन डीसी 6 अन्य देशों से बड़ा होता। ये वेटिकन सिटी से 336 गुना बड़ा है और मोनेको, नराओ, तुवालू, सैन मरीनो और लाइकेनस्टाइन से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉशिंगटन कैसा होगा और यहाँ कितने लोग रह रहे होंगे। वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य में सबसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्यों में से एक है। वॉशिंगटन एक ऐसे देश की राजधानी है जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। ताकतवर देश का नाम लेते ही अमेरिका का नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है। इसी अमेरिका देश की राजधानी है वॉशिंगटन। दोस्तों, इस शहर का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया की राजनीति को वॉशिंगटन से ही कंट्रोल किया जाता है। भले ही अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क हो, लेकिन जब बात वॉशिंगटन डीसी की आती है तो फिर न्यूयॉर्क भी इसके सामने फीका लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस शहर के आगे हमेशा डीसी क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे का इतिहास भी इस शहर की तरह ही काफी दिलचस्प है। चलिए बताए देते हैं कि आखिर डीसी का मतलब क्या है। दरअसल 16 जुलाई 1790 को वॉशिंगटन अमेरिका का नेशनल कैपिटल बना था, जो मैरीलैंड स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। अब वॉशिंगटन अमेरिका के किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं है और वो एक जिला है, पर उस समय इस डिस्ट्रिक्ट का नाम कोलंबिया हुआ करता था और लोग इसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया भी कहते थे। और डीसी शब्द का मतलब भी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ही है। बताने की वॉशिंगटन डीसी को दुनिया की सबसे पुरानी राजधानियों में गिना जाता है। इसके अलावा बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि अमेरिका के इस राजधानी को किसी भी अमेरिकी ने डिजाइन नहीं किया, बल्कि स्कॉट देश के डॉक्टर विलियम थॉर्टन ने डिजाइन किया था। वहीं जॉर्ज वॉशिंगटन और क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम को मिलाकर इस शहर का नाम पड़ा है। राष्ट्रपति के रहने के लिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय हाउस व्हाइट हाउस अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में ही है और अमेरिका के राष्ट्रपति इसी हाउस में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले इस भवन को व्हाइट हाउस के नाम से नहीं जाना जाता था। पहले यह व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट्स पैलेस के नाम से प्रसिद्ध था। इस घर के अंदर सब कुछ है जो किसी भी बड़े हमले से राष्ट्रपति को बचा सकता है। और तो और, इसके अंदर एक बंकर भी मौजूद है जो किसी मुसीबत के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, अमेरिका के दो राष्ट्रपति हॉबर्ट हूवर और जॉन क्विंसी ने अपनी सुरक्षा के लिए व्हाइट हाउस में दो मगरमच्छ भी पाले थे। बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से व्हाइट हाउस को सरकार द्वारा नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया गया है। भले ही वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति का घर हो, लेकिन ये बात आपको हैरान कर देगी कि 1961 तक इस शहर के लोगों के पास वोटिंग का अधिकार नहीं था। जी हाँ, लंबे समय तक संघर्ष करने और अपने हक के लिए आवाज उठाने के बाद वॉशिंगटन डीसी के लोगों को वोटिंग का अधिकार प्राप्त हुआ था। दोस्तों, वॉशिंगटन शहर एक भीड़ भाड़ वाला शहर है। दिल्ली और मुंबई की तरह ये शहर भी आपको कभी सोता हुआ नजर नहीं आएगा। देर रात तक यहाँ सड़कों पर आपको लोगों की भीड़ दिखाई देगी। कोई काम कर रहा होता है तो कोई मस्त है। वॉशिंगटन की इकोनॉमी की बात करें तो जीडीपी के मामले में ये अमेरिका के टॉप शहरों में आता है। वॉशिंगटन डीसी की कुल जीडीपी 125 बिलियन डॉलर्स के आसपास है और इसकी ज्यादातर कमाई सर्विस सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर से होते हैं। पर कैपिटा इनकम के मामले में भी ये शहर अमेरिका के टॉप शहरों में आता है। वॉशिंगटन डीसी के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 183,402 डॉलर्स है, जिसे अमेरिका के सबसे विकसित स्टेट्स में गिना जाता है। वॉशिंगटन की इकोनॉमी पूरे अमेरिका की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। फॉर्च्यून 500 की तीन कंपनियां फैनी में, डैनहर एंड टॉल ब्रदर्स वॉशिंगटन में ही है। साथ ही वॉशिंगटन शहर दुनिया के 12 अरबपतियों का घर है, जिसमें अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, वॉशिंगटन अमेरिका का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ की सबसे ज्यादा आबादी पढ़ी लिखी है। वॉशिंगटन में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, हार्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिकन यूनिवर्सिटी जैसी कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। साथ ही बताते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में ही स्थित है। इस लाइब्रेरी में करीब 470 विभिन्न भाषाओं में लगभग 4 करोड़ किताबें और 1.4 करोड़ तस्वीरें 1,349 किलोमीटर लंबी अलमारियों में रखी गई हैं। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ कानून, फिल्म, नक्शे,
संगीत और वॉइस रिकॉर्डिंग का दुनिया में सबसे बड़ा संग्रह मौजूद है। बता दें कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस करीब 219 साल पुरानी है। वॉशिंगटन डीसी आज भले ही काफी डेवलप हो गया है, लेकिन मच्छरों का आतंक यहाँ पर कम नहीं हुआ है। इस शहर में मच्छरों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अमेरिका की सरकार और वैज्ञानिक देश में मच्छर खत्म करने के लिए कई नए तरीके तलाशने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। वॉशिंगटन शहर की मेट्रो लाइन अमेरिका की दुनिया की सबसे बिजी रहने वाली मेट्रो लाइन में से एक है। रोजाना यहाँ 2 लाख से ज्यादा लोग मेट्रो का सफर करते हैं। 2 लाख से ज्यादा के रोजाना पैसेंजर्स के साथ न्यूयॉर्क शहर के बाद वॉशिंगटन मेट्रो अमेरिका की दूसरी सबसे बिजी रहने वाली मेट्रो है। वॉशिंगटन को लेकर एक खास बात और है कि यहाँ आपको दुनिया की सबसे ज्यादा एम्बेसीज देखने को मिल जाएंगे। वॉशिंगटन में कुल 178 एम्बेसीज हैं, जो दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा हैं। वॉशिंगटन के बाद लंदन में 164 और पेरिस में 160 एम्बेसीज हैं। दोस्तों, वैसे तो वॉशिंगटन के लोगों से मिलकर आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे आप अपने ही देश में हैं, लेकिन अगर आप यहाँ के लोगों से काफी समय बाद मिल रहे हैं तो ये उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा कि वॉशिंगटन के लोग आपको आसानी से पहचान लेंगे। इस जगह के लोगों का नाम उन लोगों में लिया जाता है जिन्हें भूलने की सबसे बड़ी आदत होती है। वॉशिंगटन में रहने वाले लोगों की भूलने की आदत काफी ज्यादा है। दोस्तों, जब भी बात वाइन पीने की होती है तो पूरा अमेरिका इस मामले में बाकी देशों से काफी ज्यादा आगे है। वहीं अगर वॉशिंगटन की बात करें तो ये अमेरिका का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा वाइन पीता है। वाइन के शौकीन आपको यहाँ हर गली के कोने में मिल जाएंगे और हर रेस्टोरेंट में लोगों के हाथों में वाइन का ग्लास देखने को मिल जाएगा। कुछ लोग तो अपनी सुबह की शुरुआत पानी की जगह वाइन से ही करते हैं। जब बात खाने की हो रही हो तो बता दें कि वॉशिंगटन में आपको ऐसा कुछ खाने को मिलेगा जो आपने पहले कभी टेस्ट नहीं किया होगा। वॉशिंगटन डीसी खाने के मामले में बाकी सभी देशों से अलग है। अगर आपको यहाँ के लोग सड़क के हर कोने पे चेरी खाते दिखाई दें तो हैरान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि चेरी वॉशिंगटन में काफी पसंद की जाने वाली चीज है। वहीं अगर वॉशिंगटन के पॉपुलर डिश की बात करें तो वो है हाफ स्मोक। हाफ स्मोक एक ऐसे डिश है जिसे ग्राउंड पोक और मसालों के साथ मिलकर बनाया जाता है। ये डिश टूरिस्ट के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों के बीच भी काफी पॉपुलर है। ये डिश वैसे तो शहर भर में मिलती है, लेकिन लोग इसे बेंस चिली बोल में ही खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये रेस्टोरेंट 1958 में यू स्ट्रीट पे खोला गया था। साथ ही इस डिश को सबसे पहले यहीं सर्व किया गया था। हाफ स्मोक के अलावा मंबो सॉस, पुपूसा और इथियोपियन क्विजीन वॉशिंगटन के कुछ और पॉपुलर डिशेज में शामिल है। दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी में कई अजीबोगरीब नियम और कानून बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप एक जगह पे 5 मिनट से ज्यादा देर तक खड़े होकर फोटो क्लिक नहीं कर सकते। ऐसा करना यहाँ अपराध माना जाता है और यहाँ पर गलत वेदर रिपोर्ट देना भी एक क्राइम है, क्योंकि यहाँ पर अन्य शहरों की तुलना में काफी ज्यादा बारिश होती है और इसलिए अक्सर लोग अपने साथ छाता कैरी करते हैं। इसके अलावा अमेरिका में कोई भी कहीं पे भी पत्थर नहीं फेंक सकता। वैसे ऐसा करना गलत है, यहाँ लोग शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपने साथ कितने भी लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रोटेस्ट 30 दिनों से ज्यादा नहीं चल सकता। वही दोस्तों, अगर बात करें वॉशिंगटन के सबसे बड़े इवेंट की, तो क्रिसमस का क्रेज वॉशिंगटन के लोगों के बीच सबसे ज्यादा रहता है। वैसे तो पूरे अमेरिका में क्रिसमस को काफी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब बात वॉशिंगटन की आती है तो इस मामले में ये सबसे आगे है। क्रिसमस को वॉशिंगटन में फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर पूरे स्टेट में 4 लाख से ज्यादा क्रिसमस ट्रीज को सजाया जाता है। अगर आप भी वॉशिंगटन के क्रिसमस इवेंट्स में हिस्सा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपका अभी तक का सबसे बेस्ट डिसीजन साबित हो सकता है। अब दिसंबर के महीने में अपनी ट्रिप को प्लान कीजिए ताकि आप भी वॉशिंगटन के क्रिसमस फेस्टिवल का हिस्सा बन सकें। चलिए अब जानते हैं उन जगहों के बारे में जहां आप घूमने जा सकते हैं। वॉशिंगटन अमेरिका की इकलौती ऐसी जगह है जहां उन सभी लोगों के मेमोरियल्स हैं जिनका अमेरिकी इतिहास में बड़ा महत्व रहा है। इनमें लिंकन मेमोरियल है जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को समर्पित है। ये मेमोरियल इस शहर की एक खास पहचान है। यहाँ जेफरसन मेमोरियल भी है जो अमेरिका के 3रे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के नाम पे बनाया गया है। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेमोरियल और फ्रैंक रूजवेल्ट मेमोरियल भी अमेरिकी इतिहास से जुड़े इन महान लोगों की कहानियां आज की पीढ़ी को बताते हैं। इन सभी के बीच वॉशिंगटन में गांधी मेमोरियल भी है जो इस शहर की सबसे बड़ी खासियत है। ये दरअसल गांधी जी का एक स्टैच्यू है। ये सारे मेमोरियल आज पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बन गए हैं। वॉशिंगटन अपने व्हाइट हाउस को लेकर पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस बिल्डिंग के बाद अगर इस शहर के कोई दूसरी सबसे खास बिल्डिंग है तो वह है वॉशिंगटन नेशनल मॉल। हर साल 25 मिलियन लोग इस मॉल को देखने आते हैं। इस मॉल के अंदर करीब 10,000 पेड़ लगाए गए हैं जो हर रोज 492 टन एयर पोल्यूशन को खत्म करने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, इस मॉल में लगभग 3800 चेरी ब्लॉसम के पेड़ हैं और इस मॉल के ठीक सामने कैपिटल बिल्डिंग है जो वॉशिंगटन की शान मानी जाती है। इसके अलावा वॉशिंगटन में 75 नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क्स हैं, जिसमें स्कूल, चर्च, हेडक्वार्टर्स,
और पोस्ट ऑफिस से शामिल है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक वॉशिंगटन में ही है। इस स्मारक को द वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। 555 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्मारक जॉर्ज वॉशिंगटन की विरासत और अमेरिकी राष्ट्र में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए यहां स्थापित की गई है। यहां जाने के लिए एंट्री फी नहीं है और आप यहां सुबह 9 बजे से रात 10 बजे के बीच कभी भी जा सकते हैं। इसके अलावा वॉशिंगटन में देखने वाली जगहों में नेशनल म्यूजियम ऑफ वुमेन इन द आर्ट्स, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी और नेशनल कैथीड्रल आदि शामिल हैं। अगर आपको भी ये शहर विजिट करना है तो आप मेट्रो ट्रैवलिंग के साथ पूरे शहर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताएं, वॉशिंगटन का डैलस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का 25वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इसने 2019 में करीब 25 लाख पैसेंजर्स को सर्विस प्रोवाइड किए थे। तो दोस्तों ये थी अमेरिका के कैपिटल सिटी वॉशिंगटन डीसी के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको वॉशिंगटन डीसी की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो वॉशिंगटन, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।